हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो ये है लेक्चर नंबर 9 मास्टर एबल्टन लाइव इन 30 डेज का, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये ड्रम रैक क्या होता है, उसको किस तरह से यूज करते हैं, कैसे बीट प्रोग्राम करते हैं एबल्टन लाइव 11 में, एंड इसी के साथ साथ ग्रिड सेटिंग्स की भी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ड्रम रैक क्या चीज है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड वील गो टू इंस्ट्रूमेंट्स, और इंस्ट्रूमेंट्स के बाद हम लोग ड्रम रैक में चले जाएंगे एंड हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे किसी भी एक मिडी ट्रैक पे। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रैक पे कर देते हैं एंड एज यू कैन सी नीचे आपको ड्रम रैक दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली ड्रम रैक में आपके पास 128 एम्प्टी स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर आप सैंपल्स को पुट इन कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं अपनी खुद की कस्टम ड्रम किट बना सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सैंपल्स पे जाएंगे एंड से फॉर एग्जांपल सर्च ही कर लेते हैं सैंपल्स। लेट्स सर्च किक। एज यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट किक सैंपल्स आ गए हैं। ओके, लेट्स टेक दिस किक सैंपल, इसको ले जाते हैं एंड ड्रॉप कर देते हैं किसी भी एक एम्प्टी स्लॉट पे, मान लेते हैं C1 पे कर देते हैं। क्या बात है, इसी के साथ साथ एक स्नेयर भी चूज कर लेते हैं इसको, जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। ऑलराइट, दिस स्नेयर साउंड्स गुड। तो इसको कहीं ना कहीं मैं ले आऊंगा और किसी भी एक रैंडम नोट पे रख देता हूँ, E1 पे रख देता हूँ एंड इसी के साथ साथ एक हाई हैट भी ले लेंगे। सो लेट्स टेक दिस हाई हैट, इसको हम लोग रख देते हैं F1 पे एंड इसी के साथ साथ हमारे पास एटलीस्ट 3 साउंड्स आ गए अपनी ड्रम किट की। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक मिडी रीजन बना देंगे एंड एज यू कैन सी एक मिडी रीजन क्रिएट हो चुका है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, लाइब्रेरी को ऑफ कर देते हैं। सो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, इसको एक्सटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से लूप को ऑफ करना पड़ेगा एंड यू कैन एक्सटेंड इट फ्रॉम हेयर। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, नीचे हमारा जो वर्क स्पेस है, जो हमारा रीजन है, वो बढ़ चुका है एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें 3 नोट्स विजिबल है, 3 नोट्स दिखाई दे रहे हैं, हमारी किक, स्नेयर और हाई हैट। सो इनको अगर आप सुनना चाहते हैं, फिलहाल मैं क्लिक कर रहा हूँ, मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको ये हेडफोन बटन को दबाना पड़ेगा एंड एज यू कैन सी नाउ आप सुन पा रहे हैं वो साउंड्स को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पार्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बीट प्रोग्राम तो करते हैं लेकिन एक काम करते हैं, कोई भी एक गाना सुनते हैं और उसकी बीट को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टेक अ सिंपल बीट, एक सिंपल सा गाना लेते हैं, उसकी बीट को रिक्रिएट करते हैं। सो फॉर दिस एग्जाम्पल मेरे माइंड में एक गाना आ रहा है जो कि है स्टे बाय जस्टिन बीबर, क्योंकि हम लोग फटाफट बना भी लेंगे उस बीट को। तो एक बार मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि वो कैसा साउंड करता है। ऑलराइट, क्या बात है, तो इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग BPM फिगर आउट कर लेते हैं इस गाने का BPM क्या था, क्योंकि इसका जो पैटर्न था वो कुछ इस तरह से चल रहा था, जिग जिग जिग। सो उसके लिए लेट्स यू नो टेक अ काउंट, देखते हैं, टू स्लो, BPM बढ़ाते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास है, क्योंकि हमारे पास वोकल्स नहीं है तो हमें जरूरी भी नहीं है कि 100% सेम करना है ओरिजिनल सॉन्ग जैसा। सो वी कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द बीट इस BPM पे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, किक के पैटर्न से शुरू करते हैं। सो यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके हैं अगर आपको नोट प्रोग्राम करना है और नोट को मिडी से रिकॉर्ड नहीं करना, यानी कि अगर आपके पास मिडी कीबोर्ड नहीं है तो आप लोग कैसे माउस की मदद से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं नोट्स, या तो आप लोग डबल क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं डबल क्लिक यहाँ पे करूंगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी किक बनी आ गई, जिसको मैं एक्चुअली स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम अगर मेरे को इसको किक को मूव करना है, वो डायरेक्टली मैं यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ एंड अगर मेरे को इसको डिलीट करना है तो अगेन मैं इस पे डबल क्लिक कर दूंगा। इसके अलावा एक और टूल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप पे देख सकते हैं, ये पेंसिल टूल बना हुआ है, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो इससे भी कहीं ना कहीं मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे नोट्स। लेकिन इसका एक कॉन है और वो ये है कि मैं नोट बना तो दूंगा इससे, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, बिकॉज जैसे ही मैं इस नोट को क्लिक करूंगा ये गायब हो जाएगा। तो इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है जैसे कि आप हाई हार्ट्स प्रोग्राम कर रहे हैं, शेकर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहां पे आप इसको अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप काफी सारे नोट्स बना सकते हैं एक क्लिक की मदद से। और जैसे कि यहाँ पे मैंने पैटर्न गलत कर दिया है, स्नेयर ऐड कर दिया है गलती से, तो अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो इसको एक झटके में रिमूव भी कर देता है। तो अगर मैं हैट्स आपको दिखाऊं प्रोग्राम करके, तो इसको सुन के देखिए। सो ये इसी काम के लिए यूज होता है। अगेन अपने नॉर्मल टूल पे वापस जाने के लिए हम लोग शॉर्टकट B का भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन दिस बटन। सो इनको डिलीट कर देते हैं नोट्स को।
इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं जब भी डबल क्लिक कर रहा हूँ तो एक छोटा सा नोट बना हुआ आ रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारी जो ग्रिड है इस केस में वो 1/16 पे सेट हुई हुई है। उसको अगर आप ऑल्टर करना चाहते हैं तो आप लोग राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे फिक्स ग्रिड के नीचे आप लोग चेंज कर सकते हैं मेजर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/4 कर लेता हूँ एंड जैसे ही मैं कहीं पे भी डबल क्लिक करता हूँ, सो एज यू कैन सी अब हमारे पास 1/4 मेजर का एक नोट बना आ गया। सो इसको हटाते हैं एंड डायरेक्टली अब पैटर्न प्रोग्राम करते हैं। ऑलराइट, बीपीएम के हिसाब से एक्चुअली हमें ग्रिड्स बढ़ानी पड़ेंगी, हमें 1/8 यूज करना पड़ेगा। तो पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किक से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट मेजर्स हैं उन पे किक को बना दूंगा एंड अब स्नेयर की प्लेसमेंट के लिए एक बार सुनते हैं। करेक्ट, ऑलराइट, किक्स यहाँ पे भी आएंगी, किक्स को यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं एंड स्नेयर को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ऑप्शन दबा के। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इनकेस आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो ऑल्ट यूज करेंगे, इसको पकड़ के यू कैन इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप और इस तरह से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो किक्स आएंगे, नोप, इसके बाद सेम पैटर्न को लास्ट में रिपीट कर देते हैं। ऑलराइट, इससे कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि जो ओरिजिनल गाना था वो थोड़ा सा इससे फास्ट था, तो हल्का सा इसका बीपीएम और बढ़ा देते हैं, 170 के अराउंड कर देते हैं। ऑलराइट, सो अब एक काम करते हैं, हाई हैट्स प्रोग्राम करते हैं। हाई हैट्स मुझे कहीं ना कहीं उस पार्ट में सुनाई नहीं दी थी, सो लेट्स सी इस गाने में हाई हैट्स का यूज हुआ है क्या। वेरी नाइस, लास्ट वाले पार्ट में एक्चुअली हाई हैट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए करके, तो उसको एक बार एक काम करते हैं, सबसे पहले रेप्लिकेट करते हैं मुंह से, उसके बाद हम प्रोग्राम करते हैं। वेरी नाइस, तो बेसिकली वही 8th नोट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग सिंपली 8th नोट लेंगे और यहाँ पे पेंसिल टूल की मदद से अपना समय बचा सकते हैं। सो बी दबाऊंगा मैं शॉर्टकट एंड क्या बात है। काश हमारे पास हाई हार्ट का बेटर सैंपल होता एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट किक और स्नेयर का भी, बट ठीक है, अल्टीमेटली हमें वो आइडिया को उतारना सीखना है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं वेलोसिटी को ऑल्टर करूंगा इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वो कैसे, नीचे आप लोग देख सकते हैं वेलोसिटी का ऑप्शन है, इस वक्त ये 100 पे फिक्स है। सो मैं दो जगह वेलोसिटी को ऑल्टर करूंगा, एक तो ये जो किक डबल टाइम आ रही है एंड सेकंड थिंग हाई हार्ट को, बिकॉज जब भी किक के साथ हाई हार्ट आ रही है, स्नेयर के साथ आ रही है, वहां पे मैं चाहूंगा उसकी वेलोसिटी कम रहे। हाई हार्ट को सिलेक्ट करते हैं, यप, बहुत सुंदर। सो अब यही वेलोसिटी हमें उतारनी है हर जगह पे हाई हैट की, बेटर एंड इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, क्या बात है, सुन के देखते हैं। सुपर्ब, और यहाँ पे जो हमारी डबल टाइम पे किक आ रही है उसको भी थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं। पहली जो किक है उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम रखेंगे, क्या बात है। नाइस, सेम चीज को हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आगे। यहाँ पे मैं एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मेरी जो हाई हैट्स हैं वो काफी ज्यादा शार्प साउंड कर रही है, तो उसके लिए मैं ड्रम रैक पे जाऊंगा। यहाँ पे जो मेरा हाई हैट का सैंपल है इसमें मैं ट्रांसपोज कर दूंगा -12 सेमीटोन्स, तो एक ऑक्टेव नीचे सुन के देखते हैं कैसी साउंड कर रही है हाई हैट। अगर अच्छी लगती है तो हम उसको रख सकते हैं। ओके, लेट्स ट्राई एंड रिड्यूस द लेवल उसका थोड़ा सा। आई थिंक इट्स बेटर, लो वाली जो हमारी हाई हैट्स है वो काफी बेटर साउंड कर रही है, प्लस ज्यादा क्लोज है एक्चुअली स्टे सॉन्ग के, सो लेट्स कीप इट दिस वे। वाओ, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि कैसे आप लोग आपके माइंड में जो आइडिया है उसको उतार सकते हैं सॉफ्टवेयर में एंड स्पेसिफिकली बीट कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं एबल्टन लाइव 11 में। अगर आप लोग ड्रम रैक को नहीं यूज करना चाहते, अपनी कस्टम ड्रम किट नहीं बजाना चाहते, तो उसके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे ड्रम्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट किट्स दिखाई दे रही होंगी, आप डायरेक्टली इनको यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो 808 कोर किट है,
अगर इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे, और अब हम लोग बीट को सुनेंगे। सो कहीं ना कहीं अगर आप नोट्स को रीअरेंज करेंगे तो आपको एक वो पैटर्न मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल हमारी जो किक थी उसको हम नीचे ले आते, उसके बाद हमारा जो स्नेयर है वो लूप कोंगा पे आ गया, इसको हम लोग स्नेयर पे ले जाते हैं। एंड जो हाई हैट्स हैं इनको हम लोग क्लोज्ड हैट पे ले जाते हैं। सो इवन दो हमारी पहले वाली साउंड्स बेटर थी, बट आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि आप लोग यहाँ पे कितनी सारी ड्रम किट्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड जिस भी ड्रम किट के आप साउंड डालना चाहते हैं अपनी बीट में, सिंपली उसको आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एंड जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं, जो आपने मिडी प्रोग्राम किया था उसमें उस ड्रम किट की साउंड आ जाएगी। और मान लेते हैं कि आप लोगों को ये ड्रम किट पसंद आ गई लेकिन इसकी किक साउंड अच्छी नहीं लग रही, तो आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, सैंपल्स में जाके कोई भी एक किक सैंपल जो आपको पसंद आ रहा है आप उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी ड्रम किट सेम ही रहेगी लेकिन आपका जो किक का सैंपल है सिर्फ वो चेंज हो जाएगा। सो इनकेस अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, उसको नीचे कमेंट कर देना। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। Oh, 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 oh